सलमान खान यानी हमारे भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को ऐसे ऐसे तथ्यानी यानी फैक्ट्स हम कने ढूंढ के लाए जिसे सुनकर आप सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, अरे बाबा। जैसे कि फिल्म का नाम बार बार लगातार क्यों चेंज किया गया, इस मूवी को आप कहां पर रिलीज से पहले ही फ्री में देख सकते हो, सलमान खान की इस पिक्चर में रन टाइम यानी इसका रन टाइम कितना घंटे का होगा और ये किस मूवी का रीमेक है सब बताते हैं आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा और एक चैनल पर एक स्ट्राइक भी लग चुका है, सब्सक्राइब कर दो। नंबर वन, तकदीर वाला के बाद ये वेंकटेश की बॉलीवुड में एक कमबैक मूवी है। तकदीर वाला मूवी 1995 में आया था पर वो मूवी फ्लॉप रही थी, इससे पहले भी वेंकटेश ने बॉलीवुड में अपना अपीयरेंस दिया था। नंबर टू, जगदीश बाबू जो इस फिल्म में विलेन के किरदार में हमें नजर आएंगे, वे इससे पहले बॉलीवुड के और एक मूवी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, राधे श्याम पर नजर आए थे जो कि वहां पर भी विलेन का रोल अदा किए थे और जिससे कि ये मूवी उनकी दूसरी बॉलीवुड मूवी हो जाती है। नंबर थ्री, इस मूवी के शूटिंग मुंबई हैदराबाद और लद्दाख में हुआ था। नंबर फोर, सलमान खान के जो डायलॉग है ब्रिंग इट ऑन वो डी रॉक के फेमस डायलॉग से छापा गया है जो कि डी रॉक जो कि है जस्ट ब्रिंग इट। नंबर फाइव, रामचरण ने अपना केम्यू दिया था एक यंटम्मा सॉन्ग पर, जैसे कि हमें पता है वो उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सलमान खान ने भी रामचरण के पिता चिरंजीवी के साथ गॉडफादर मूवी में केम्यू अपीयरेंस दिया था, वो भी फ्री में, इसी वजह से रामचरण ने ये एहसान ये किसी का भाई किसी की जान में चुका दिया है। नंबर सिक्स, ये मूवी वीरम मूवी से कॉपीड है यानी वीरम मूवी का ये हिंदी रीमेक है ऑफिशियल। किसी का भाई किसी की जान की स्टोरी भी हमने पहले बताया है तो इस चैनल इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इस मूवी की ओरिजिनल यानी वीरम मूवी के आईएमडीबी की बात करें तो 6.5 10 में से आईएमडीबी वालों ने दिया है और ये मूवी सिर्फ सक्सेसफुल मूवी के कैटेगरी में पड़ते हैं यानी ये मूवी सक्सेसफुल हो गई है बॉक्स ऑफिस पर। नंबर सेवन, आप इसे गोल्डमाइन पर फ्री में हिंदी में देख सकते हैं वीरम नाम से। नंबर एट, ये पूजा हेगड़े की फिल्म है और पूजा हेगड़े एमबीए चायवाले की तरह पनौती कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले पूजा हेगड़े ने जिस भी मूवी में अपना अपीयरेंस दिया वो सब मूवी फ्लॉप गई, जैसे एकदम सर्कस पकड़ सकते हो। इसके बाद आप क्या पता किसी का भाई किसी की जान क्या होगा। नंबर नाइन सलमान खान के साथ हनी सिंह का ये दूसरा गाना है, पहला था किक मूवी में डेविल मेरा यार, उसके बाद ये लेटेस्ट है छोटू मोटू। नंबर टेन, फिल्म में कुल 7 गाने हैं यानी 3 मिनट के आसपास, लगभग हम कह सकते हैं 21 मिनट का गाना आपको देखने को मिलेगा, वो भी मिलाकर 7ों मिलाकर 21 मिनट आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी का रन टाइम यानी ये 2 घंटे 24 मिनट का होने वाला है और 21 मिनट तो गाने में चला जाएगा और क्रेडिट वेडिट एंड क्रेडिट तो है ही, मतलब 2 घंटे के से भी कम मूवी का रन टाइम होगा एक्चुअल स्टोरी का। तो ऐसे वीडियोस आते हैं मुझे को सब्सक्राइब कर दो अभी यार।